श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी वैशाख मास का पवित्र महीना चल रहा है और आज 5 मई को रविवार के दिन पड़ी है प्रदोष की तिथि, यानी कि वैशाख मास के पवित्र महीने की प्रदोष की तिथि है, वो भी रविवार के दिन। तो इसीलिए रवि प्रदोष का बहुत ही सुंदर सा योग बन रहा है और इसी रवि प्रदोष पर हमें करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो प्रदोष की तिथि होती है, ये विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित होती है। और देखिए, इन उपायों को करने से भगवान शिव जो है ना, बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे जीवन की परेशानियों को दूर करते हैं, हमारी जो भी विशेष मनोकामना होती है उसे परिपूर्ण करते हैं। तो इसीलिए आपको इस प्रदोष की तिथि पर करना है ये सुंदर सा उपाय, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके आप सभी को समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन ये उपाय किन लोगों को करना है, किस प्रकार से करना है और किस समय करना है। देखिए, ये उपाय प्रदोष की तिथि पर कर रहे हैं तो हमें, देखिए, जब भी हम प्रदोष पे उपाय करते हैं तो हमें प्रदोष काल का जो समय होता है इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। यानी इस समय में यदि आप पूजा करते हैं, इस समय में प्रदोष काल के समय में आप भगवान शिव के नियमित यदि कोई भी उपाय करते हैं, क्रियाएं करते हैं, तो इससे क्या होता है, भगवान शिव जो है ना बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि प्रदोष की तिथि पर भगवान शिव जो होते हैं ना, वो साक्षात शिवलिंग में विराजमान होते हैं। तो इस समय यदि आप कोई भी उपाय करेंगे ना, तो इसके आपको बहुत ही सुफल प्राप्त होंगे। तो अब हम जान लेते हैं ये उपाय किन लोगों को करना है। देखिए, ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों को करना है जिनके जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हैं, यानी कष्ट लगे हुए हैं, बाधाएं हैं, कोई ना कोई परेशानी उनके जीवन में लगी रहती है। कभी धन से जुड़ी हुई, कभी कर्ज संबंधित परेशानियाँ, कभी रोगों से बार बार घिरना पड़ता है, यानी रोग कभी किसी को हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है। तो अपने जीवन की ये सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आपको इस दिन करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, ये वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये उपाय उन लोगों को करना है जो उपाय कर करके थक चुके हैं। यानी उनके मन में ये बात आ जाए कि महादेव जो हैं वो उनकी सुन नहीं रहे हैं, तो उन लोगों को विशेष रूप से इस उपाय को करना चाहिए। यानी कि वो बहुत समय से जो है जल भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर रहे हैं, पर उनकी कोई ऐसी मनोकामना है जो भगवान शिव ने अभी तक उनको, उनकी वो मनोकामना जो है वो परिपूर्ण नहीं की, उनकी सुन नहीं रहे, तो उन लोगों को विशेष रूप से इस उपाय को करना चाहिए। यानी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, जीवन में यदि आपके कोई भी परेशानी है, उन परेशानियों को दूर करने के लिए आपको इस दिन ये सुंदर सा उपाय करना है। तो देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको तैयार करना है एक दीपक, ठीक है ना। अब देखिए, ये दीपक आप माटी का भी ले सकते हैं और यदि आप आटे का लेना चाहते हैं तो आप आटे का भी दीपक तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, बिना नमक के आटा गूंदना है और उसमें आपको, उससे जो है आपको दीपक का निर्माण कर लेना है, ठीक है ना, बिना नमक के आटे से। अब आपको इसके अंदर जो पाती लगानी है वो आपको लगानी है गोल, ठीक है ना। हम भगवान शिव के नियमित कर रहे हैं तो हमें इसमें गोल बाती का प्रयोग करना है। अब इस दीपक के अंदर हमें शुद्ध गौ माता का घी भर लेना है, ठीक है ना। अब इसी के साथ आपको लेना है मात्र एक बेल पत्र, एक बेल की पत्री ले लेनी है, ठीक है ना, जो कटी फटी और खंडित ना हो, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखिए, आपने बेल पत्र ले ली, अब इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल भर लेना है और ये सारी सामग्री को लेकर के, यानी तीनों सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। देखिए, आप भगवान शिव के मंदिर आपको चले जाना है और देखिए, ये प्रदोष की तिथि है। अब प्रदोष की तिथि में यदि आप उपाय प्रदोष काल के समय में करते हैं तो ये सर्वोत्तम होता है, नहीं तो आप सुबह से लेकर शाम तक, यानी रात्रि तक 8-9-10 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, आप मंदिर आ गए,
शिवलिंग के समक्ष आ गए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उत्तर मुखी होकर के आपको वहीं पर शिवलिंग के समक्ष खड़े हो जाना है या बैठ जाना है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आप जो सामग्री लेके आए ना, उसमें से सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप बेलपत्र लेके आए ना, इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित करना है अपनी मनोकामना को बोल करके। यानी आप जिस भी मनोकामना को लेकर के ये उपाय कर रहे हैं, उस मनोकामना का आपको स्मरण करना है और आपको मतलब अपनी उस मनोकामना को बोल करके इस बेलपत्र को इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है, रख देना है। देखिए किस प्रकार से रखना है, देखिए जब आप बेलपत्र को भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित करेंगे तो जो बेलपत्र है ना उसका चिकना वाला जो भाग है वो शिवलिंग पे स्पर्श होना चाहिए, ठीक है ना। कि जो बेलपत्र ही है ना, इसके जो डंडी वाला हिस्सा है ये आपको रखना है जलाधारी की ओर, और पत्ती का हिस्सा जो है वो विपरीत दिशा में होना चाहिए, और चिकना वाला जो भाग है भगवान शिव के शिवलिंग पे स्पर्श हो, और खुदरा वाला भाग जो है वो ऊपर की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको जो बेलपत्र है ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित करना है अपनी विशेष मनोकामना का स्मरण करते हुए, ठीक है ना। तो आपने बेलपत्र अर्पित कर दिया, अब आपको क्या करना है, जो आप एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेके आए ना, उस जल को आपको लेना है, और सबसे पहले आपको क्या करना है, उस जल को लेने के पश्चात सबसे पहले आपको भगवान शिव के शिवलिंग में, जो हम सभी जानते हैं कि पूरा शिव परिवार जो होता है वो भगवान शिव के शिवलिंग में ही विराजमान होता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको जो समर्पित करना है ये आपको करना है भगवान शिव के शिवलिंग में गणेश जी वाले स्थान पर। और गणेश जी का कौन सा स्थान होता है, ये होता है सीधी तरफ, भगवान शिव के शिवलिंग में सीधी तरफ। तो थोड़ा सा जल आपको गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, उसके बाद थोड़ा सा जल आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, उसके बाद थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है, ठीक है। तो आपने तीन जगह जल अर्पित कर दिया, तो देखिए चौथा स्थान आपको शिव भगवान शिव के शिवलिंग और जलाधारी को जो भाग मिलाता है यानी कटी भाग, इसके चारों ओर यानी माता पार्वती जी के हस्त कमलों पे आपको जल को समर्पित कर देना है, ठीक है ना। तो देखिए चार स्थानों पे कर दिया, पांचवा हम करते हैं जल भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित। लेकिन आज के दिन इस उपाय में आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे जो है जल को समर्पित नहीं करना, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं करना। आपको क्या करना है, जो पाँचवें जो स्थान पे आपको जल अर्पित करना है वो आपको तांबे के पात्र के अंदर ही रखना है। अब आपको क्या करना है, ये जल लेना है और आपको पहले आपको भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी है, उसके पश्चात आपको जो शेष जल है वो लेना है, और आपने जो एक आटे का दीपक तैयार किया था ना उसको लेकर के आपको, यदि आप मंदिर में उपाय करें और मंदिर में बेलपत्र का वृक्ष है तो आपको वहाँ पर चले जाना है, ठीक है ना। मंदिर में ही अगर बेलपत्र का वृक्ष है तो आपको वहाँ ये उपाय कर लेना है, या घर के आसपास कहीं भी बेलपत्र का वृक्ष है तो आपको वहाँ पर एक आटे का दीपक और इस जल को लेकर के चले जाना है, ठीक है ना। और देखिए ये उपाय जो है ना ये आपको प्रदोष काल के समय में करना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप बेलपत्र के वृक्ष के पास आ गए तो आपको क्या करना है, जो आप एक गोलबाती का दीपक लेके आए ना आटे का जो तैयार किया आपने, इसे आपको अपनी मनोकामना को बोल करके, जिस भी मनोकामना को लेकर के आप उपाय कर रहे हैं अपनी उस मनोकामना का स्मरण करना है, उसके पश्चात आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, ठीक है ना। ठीक है, दीपक आपको प्रज्वलित करना है, उसके बाद जो पांचवा स्थान जो आपको जल अर्पित करना था, जो आप लोटे के अंदर जल लेके आए वो आपको, तो देखिए बेलपत्र की जड़ में आपको इस जल को समर्पित कर देना है, और इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये सुंदर सा उपाय आज के दिन करना है, अपनी उसी विशेष मनोकामना का आपको स्मरण करना है जिस भी मनोकामना को लेकर के आप ये उपाय कर रहे हैं। तो देखिए ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास है, पूज्य गुरुदेव के अनुसार इस उपाय के बारे में जो है हमारे शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है, इतना ज़्यादा खास ये उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होती है वो निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा से जल्द ही परिपूर्ण हो जाती, क्योंकि भगवान शिव ने माता पार्वती जी को वचन दिया था कि हे पार्वती, जो भी व्यक्ति प्रदोष की तिथि पर इस प्रकार से इन पांच स्थानों पर मुझ पर जल ना चढ़ाकर इन पांच स्थानों पर जल चढ़ाता है ना, तो पार्वती उस व्यक्ति को उसकी मनोकामना का चार गुना फल प्राप्त होगा। तो इसलिए आपको इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करना है, इस उपाय को करने से आप जो भी मांगेंगे ना उसका आपको चार गुना फल जो है
वो प्राप्त होगा। इतना ज़्यादा खास और विशेष ये उपाय है जो आपको इस प्रदोष की तिथि पर जरूर करना चाहिए। तो देखिए, अगर इस उपाय में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछ लें, गलती नहीं करनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव।